এইতো চালু হলো, চালু হলো ছোট সাইড রাখো, আমার সাইড রাখো, আমার সাইড রাখো, চেয়ার চালু করেগা, পরে শেয়ার করুন না, উসকে বাদ চেয়ার খুশো খাবার। হ্যালো, তোমার সিস্টার আর বলেন এই এই কাজ মনে দেবে। গুড মর্নিং অল অফ ইউ। আওয়াজ আ রহি হ্যায় মেরি? গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বেটা, কেসে হ্যায় আপ লোগ? গুড মর্নিং, জয় শ্রী কৃষ্ণ। I am not visible. मजे में है? Very good, बहुत अच्छा। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? Good morning, जय श्री कृष्णा। ओके ओके ओके, आवाज आ रही है, एकदम साफ आवाज आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक। बेसिक स्टैंड के क्वेश्चन दिए थे, कुछ ट्राई करें सब लोग ने? बेसिक स्टैंड के क्वेश्चन हमने दिए थे, आपने ट्राई करें क्या? करें ट्राई। ये क्वेश्चन ईशा हमने डिस्कस कर लिया था, गुआनिडीन वाला केस, बेसिक स्टैंड ऑफ द ऑर्डर, फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल शायद हो गया था, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। कितने एग्जांपल कर लिए थे हमने? ये तीन एग्जांपल, तीनों हो गए थे क्या? तीनों हो गए थे, दो ही हुए थे, 1 2 3 तीनों हो गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये शायद हमको को डिस्कस करना होगा, ये किया क्या हमने सॉल्व? डिस्कस किया था क्या हमने? यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है चलो ट्राई करा आप लोगों ने, करें डिस्कस, शुरू करें। ओके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्थ जो एग्जांपल है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन अगर देखे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको रेजोनेंस नहीं दिखता है, ठीक है? तो हम लिखते हैं यहां पर नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो लोन पेयर, इसमें भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, क्या लोन पेयर का रेजोनेंस है? नाइट्रोजन के लोन पेयर का नो, तो यहां पर भी लिखते हैं नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं। नेक्स्ट में लिखते हैं तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या? नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और साथ में OSCSP का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं क्या? रस रेजोनेंस कर रहे हैं, साथ में OCSC का कैसा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो दीज टू आर डीलोकलाइज लोन पेयर, ठीक है, ये दोनों डीलोकलाइज हैं। स्टार्टिंग के दोनों जो हैं वो लोकलाइज हैं, तो बताओ लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है या डीलोकलाइज? लोकलाइज ज्यादा बेसिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो लोकलाइज लोकलाइज में इफेक्ट लगा लेते हैं, तो फिनाइल ग्रुप जो है, या मिथाइल कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। फिनाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, फिनाइल का माइनस आई होता है, होता है कि नहीं होता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो हो जाएगा ए, क्योंकि ए में प्लस आई इफेक्ट है, फिर बी में माइनस आई इफेक्ट है लोकलाइज लोन पेयर। तो हमने पहले क्या करा, लोकलाइज लोन पेयर को कंपेयर कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, लोकलाइज लोन पेयर को कंपेयर कर लिया, बाद में क्या करेंगे, डी लोकलाइज लोन पेयर को कंपेयर कर लेंगे। तो लोकलाइज लोकलाइज ज्यादा बेसिक, तो उसमें इफेक्ट लगा लिया हमने। अब डी लोकलाइज में इफेक्ट लगाएंगे तो प्लस एम बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, कि हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एक और फार्मूला क्या पढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस एम। तो प्लस एम जो है वो क्या करता है, बेसिक नेचर को बढ़ाता है। इसके बी के बाद क्या आएगा, सी, और सी के बाद क्या आएगा, डी। आंसर आता है ए बी सी डी, कोई डाउट?
किन लोगों का सही हुआ है? बी में नाइट्रोजन रेजोनेंस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे तो कॉन्जुगेशन कैसे करेगा प्राची? तो ये तो डाउट था ही नहीं, लोन पेयर रेजोनेंस क्यों नहीं कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? ओके गुड वन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन और उसके डेरिवेटिव दिए हुए हैं, बड़ा एनिलीन दिया हुआ है। अगर नीचे के ग्रुप हटा दें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनिलीन है। तो अपन क्या करते हैं, अगर सारे के सारे एनिलीन है, सब में फाइव आर एस है, तो अपन क्या करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं नीचे के ग्रुप हटाए जाओ उनके। पहला बी ऑप्शन जो है सी एस थ्री कैसे इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच। एनओ टू कैसे इफेक्ट लगाता है, माइनस एम। और हेलोजन जो है वो कैसे इफेक्ट लगाता है, माइनस एम। ऐसे ही पढ़ाया आपने, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम है, किसी में भी प्लस एम नहीं है। प्लस एच है क्या? यस, एक में है, किसमें? बी। इसके सबसे पहले कौन आएगा? बी। बी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, माइनस आई माइनस एम क्या करते हैं, बेसिक बेसिक को डिक्रीज करते हैं। इसके बी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। कोई डाउट यहां तक? अब माइनस आई और माइनस एम में माइनस एम ज्यादा डिक्रीज करेगा बेसिक नेचर को, क्योंकि वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले, इससे पहले कौन आएगा? डी। और बाद में कौन आएगा? सी, क्योंकि सी में माइनस एम लग रहा है। एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है, इसलिए वो बाद में आएगा, लास्ट में। माइनस एम से ज्यादा डिग्रीज करेगा एज कम्पेयर टू माइनस एम। तो आंसर आता है बी, ए, डी, सी। हाँ जी, कितने लोगों का गलत हुआ है ये क्वेश्चन? समझ में आ गया रवि, क्या गलती करी आपने? ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आपने सीखा, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सब लोग ऑब्जर्व करें, ये जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, है ना। सब लोग ध्यान दें, पहले में नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, दूसरे में नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, तीसरे में भी नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, फोर्थ में भी नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है। तो ये कैसा लोन पेयर हो गया? लोकलाइज्ड। और बाकी सबके सब कैसे है? डी लोकलाइज्ड, है ना। यहां पर ये लोन पेयर कैसा है? डी लोकलाइज्ड, ठीक है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। यहां पर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर, और इन दोनों में भी कैसे हो गए दोनों? यहां पर डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है ना। अब इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि बी में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। अब इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि सारे के सारे डीलोकलाइज वाले हैं, तो सी एस थ्री कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एच। सी एल का कैसा इफेक्ट? माइनस आई। और डी में कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब प्लस एच बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम। तो इसका मतलब बी के बाद क्या आएगा? ए। ए के बाद क्या आना चाहिए? डी, क्योंकि उसमें कोई माइनस इफेक्ट नहीं है। और लास्ट में कौन आएगा? सी, क्योंकि उसमें माइनस इफेक्ट है। तो आंसर आता है बी, ए, डी, सी। हाँ जी, कितने लोगों का सही हुआ है इस बार? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, सही है, शाबाश। तो इसका मतलब बी पहले क्यों आया? शाबाश, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने वीरेश्वर। हमने आपको लिख के दिया यहां पर डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, और लोकलाइज्ड लोन पेयर में कौन ज्यादा बेसिक होता है? लोकलाइज्ड ज्यादा बेसिक होता है, इसलिए पहले आपका जो है बी आता है। बिल्कुल सही बात है ना। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी मैंने दिया था, आपने शायद ट्राई करा होगा। बिल्कुल सही बात है ना, ऑब्जर्व करना सब लोग। हाँ जी, क्या नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं? यस, दिस इज डी लोकलाइज्ड। नेक्स्ट में क्या नाइट्रोजन के लोन पे लोकल रेजोनेंस कर रहे हैं? नेक्स्ट में नाइट्रोजन के लोन पे, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर।
बी ऑप्शन में लोन पेयर लोकलाइज्ड है। क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डाउट क्यों? क्या ये बल्कि ग्रुप है? क्या NCS3 होल ट्वाइस बल्कि ग्रुप है? क्या CS3 भी बल्कि ग्रुप है? तो जब दो बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में आएंगे तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? SIR इफेक्ट लगेगा, ऐसे घूम जाएगा, और जैसे ही घूम जाएगा तो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। अब जब लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आउट ऑफ प्लेन हो गया NCS3 होल ट्वाइस, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा लोकलाइज्ड लोन पेयर। समझ में आया क्या? क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? वेरी गुड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट को देखते हैं। यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए? ए। अब उसके बाद हमको कंपेयर करना है किसमें? बी और सी में। तो आप ये देखिए, जो बी है उसमें फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग जो है वो कैसा इफेक्ट लगाती है? माइनस आई इफेक्ट लगाती है। बेंजीन का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। तो ऊपर जो नाइट्रोजन है वो sp2 कार्बन से अटैच है, और इसका मतलब कैसा इफेक्ट लगेगा बेंजीन का? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ऑफ बेंजीन। जबकि यहां पर ये रिंग है, इस रिंग का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि sp3 कार्बन है। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा सी, फिर कौन आएगा? बी, और फिर कौन आएगा? ए। हाँ जी बताएं, कोई डाउट? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा हमने। पहली बात, SIR इफेक्ट से बेसिक नेचर बढ़ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका गलत हुआ है तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमने आज बहुत बढ़िया एक नया एक पॉइंट सीखा कि SIR इफेक्ट से लोन पेयर रेजोनेंस से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेसिक नेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो SIR इंक्रीजेस बेसिक नेचर, SIR क्या करता है? बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देता है। लेकिन NH2 बल्कि ग्रुप नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। NCS3 होल ट्वाइस इज अ बल्कि ग्रुप, ठीक है, NCS3 होल ट्वाइस इज अ बल्कि ग्रुप। CS3 का इफेक्ट ये है, CS3 जो है वो आउट ऑफ प्लेन भेज रहा है, जो CS3 ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन भेजने का काम कर रहे हैं, मतलब वो स्टेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं। कैसा इफेक्ट लगा रहे हैं? स्टेरिक इफेक्ट। अगर सी में देखेंगे तो भाई पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन प्लेनर ही नहीं होता। सी में देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होता, हर कार्बन sp3 होता है, हर कार्बन sp3 होता है, ठीक है। अब सभी कार्बन sp3 होते हैं तो डेफिनेटली यहां पर अपन ये SIR इफेक्ट की बातें नहीं कर सकते हैं सी ऑप्शन के अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बिल्कुल, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, सही बोला है या आपने, एकदम परफेक्ट बात बोली आपने, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन, जब नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर देखा तो हमने कंपेयर किस बेसिस पर करा कि बेंजीन जो है उसमें कार्बन sp2 है तो वो माइनस आई इफेक्ट आएगा, जबकि सी में जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें sp3 कार्बन है तो कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। होपफुली समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब इसके अलावा अब आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से 2-3 देर बाद जब सॉल्व करोगे तब डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन और ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली आप पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी इनमें कंपैरिजन पूछा है मुझसे कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा। तो आप लोग ऑब्जर्व करें, ए ऑप्शन, क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? बिल्कुल, लोन पेयर रेजोनेंस करा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस है। और कितने आरएस आ रहे हैं? 2 आरएस, और 2 आरएस के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप है। इसका मतलब
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, और इसलिए बेसिक नेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एनिलीन को देखते हैं, दिस इज नोन एज एनिलीन, ठीक है। तो यहां पर लोन पे रेजोनेंस कर रहा है बिल्कुल, कितने आरएस होते हैं, 5 आरएस, लेकिन हर बार नेगेटिव चार्ज जो आएगा लोन पे जो है वो कहां पर आएंगे, ऑर्थो कार्बन, पैरा कार्बन, ऑर्थो कार्बन पर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ए ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा रेजोनेंस होता है तो बेसिक नेचर डेफिनेटली डिक्रीज करता है, लेकिन यहां पर बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का, व्हाट डू यू से, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ए ज्यादा बेसिक होगा या बी? काफी लोगों ने बोला ए ज्यादा बेसिक होगा, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब रेजोनेंस करेगा ए में तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एटम पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस करेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, व्हाट डू यू से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रेजोनेंस करेगा तो बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए, लेस वाले के साथ, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है ईएन। तो आप देखिए तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ रेजोनेंस कर रहा है और बी में कार्बन एटम के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बी में रेजोनेंस कम है लेकिन यहां पर माइनस एम इफेक्ट लगता है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है रेजोनेंस के, इनवर्सली होती है माइनस एम। तो आप मुझे बताइए रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट क्यों करता है या माइनस एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट होता है या माइनस एम इफेक्ट, रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है या माइनस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, एम इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू रेजोनेंस, आपको याद दिला देता हूं, एम इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से होता है, एम इफेक्ट रेजोनेंस की वजह से होता है, एम इफेक्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी एम आर एच आई, ये बात पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है, हमेशा एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है ऐसा मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, क्योंकि एम इफेक्ट में जब हम बात कर रहे थे प्लस एम की तो प्लस एम इफेक्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होता था, रेजोनेंस में कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था, ये बातें सिखाई थी। माइनस एम की अगर बात करूं तो माइनस एम में रेजोनेंस करता है किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और सिर्फ रेजोनेंस होता है तो कार्बन के साथ रेजोनेंस करता है, तो कार्बन के साथ जब रेजोनेंस करेगा तो लेस ईएन एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इक्विवेलेंट की बात नहीं कर सकते हैं सलोनी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम नहीं होते, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर ये जो फंक्शन हुए दैट इज नोन एज अमाइड फंक्शन, कौन सा फंक्शन हुआ, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज अमाइड, इसे अमाइड कहते हैं, ठीक है। तो अमाइड में जब रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन एटम के साथ हो रहे हैं, तो सी डबल बॉन्ड को कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो माइनस एम से बेसिक नेचर ज्यादा डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू सिंपल रेजोनेंस, इसलिए बी इज मोर बेसिक देन ए। हाँ, अब आप अपने डाउट शूट आउट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो वो बताइए। ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दिए, हो सकता है आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया हो, ठीक है, और आपको नहीं पता हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसे जा रहा है, इसलिए मैंने अमाइड ग्रुप, जो ए में अमाइड ग्रुप है उसमें जो रेजोनेंस कर रहा है ये, ठीक है, तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं इसके रेस्पेक्ट, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं कहा था माइनस एम का मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, मैंने एक बात लिखाई थी इक्विवेलेंट मींस सेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेटिंग नेगेटिव चार्ज इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बात मैं आपको कॉपी में लिखवाई है, आप एक बार देख लेना, ठीक है।
जब लोन पे रेजोनेंस करता है एनिलीन में, मैं ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मेरे बच्चे जो है वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो उनकी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके बाद वापस से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो पैरा वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, उसके बाद वापस से रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगेगा और फिर से रेजोनेंस करेगा तो कहां पर जाएगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब अमाइड में रेजोनेंस हुआ तो उस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका भी बना देता हूं, मैंने अमाइड का अलग से बनाया था, हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो डेफिनेटली मुझे यहां पर ये वाले स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपको आपके लिए। अमाइड में ये एन, इसने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड आया और ओ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ओ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होता है ईएन के या इनवर्सली होता है, इनवर्सली होता है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एन प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एच और माइनस एम, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है और एक में रेजोनेंस हो रहा है, तो आप ये बताइए रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है या एम इफेक्ट, एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, इसलिए बी ज्यादा बेसिक है ए से, इसलिए बी ज्यादा बेसिक है क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होता है माइनस एम। और आपको अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये बात तो समझ में आ रही होगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वहां पांच स्ट्रक्चर बन रहे हैं लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइन्थ एग्जाम्पल है, नाइन्थ एग्जाम्पल जो है उसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर तीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, एक ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, सी ऑप्शन में एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं और डी ऑप्शन में नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो आएगा सबसे ज्यादा बेसिक डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, आंसर आता है डी सी बी ए, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चेक कर रहे हैं, पीएच का मतलब बेंजीन होता है, तीन पीएच का मतलब तीन बेंजीन, दो पीएच का मतलब दो बेंजीन, एक पीएच का मतलब एक बेंजीन। लास्ट वाले में कॉन्जुगेशन नहीं है, अगर लास्ट वाले स्ट्रक्चर में डाउट आए तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों के लिए, सी एस टू एन एस टू ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए नो रेजोनेंस लिखा, क्योंकि मैं लोन पेयर का रेजोनेंस देखूंगा क्योंकि मैं बेसिक स्ट्रेंथ देख रहा हूं, मैं बेसिक स्ट्रेंथ देख रहा हूं इसलिए मैं लोन पेयर का रेजोनेंस देखूंगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं, एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। Generally, ortho substituted aniline is less basic than meta or para isomer due to SIP effect. What is SIP? Steric inhibition of protonation. Steric inhibition of protonation का क्या मतलब है? कि aniline जो है पहली बात तो resonance कर रहा है, resonance करेगा तो basic nature पहले से ही कम है। अब जब ये H plus accept करेगा तो उसके से बनेगा anilinium ion, ठीक है? लेकिन अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई आ जाता है बल्कि ग्रुप, कैसा ग्रुप? बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप क्या करता है, इसके लोन पेयर को स्टेरिकली क्राउडिंग करता है, क्या करता है? स्टेरिकली क्राउडिंग। स्टेरिकली क्राउडिंग की वजह से यहां पर जो लोन पेयर पहली बार तो रेजोनेंस कर रहे थे, साथ में ये जो बल्कि ग्रुप था उसने स्टेरिक क्राउडिंग और कर ली। जब ये स्टेरिक क्राउडिंग कर लेगा तो इसकी H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, और जब एच प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो सॉल्वेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। किसके साथ सॉल्वेशन की किसकी बात करते हैं, वाटर में डालने के बाद बात, ठीक है, कि वाटर में डालेंगे तो उस केस में सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब सॉल्वेशन जब डिक्रीज होगा तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्राउडिंग कब होगी, जब ऑर्थो पोजीशन पर होगा। लेकिन अगर यही ग्रुप अगर आपको ऑर्थो की जगह पैरा मेटा पर आ जाता है बल्कि ग्रुप, ठीक है, या फिर पैरा पर आ जाता है बल्कि ग्रुप, तो एक बात बताओ, हमने पढ़ा था भाई क्राउडिंग तो तभी हो सकती है जब पास में होगा, अगर दूर होगा तो क्राउडिंग पॉसिबल है क्या, जब दूर होगा तो क्राउडिंग पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो बल्कि ग्रुप की क्राउडिंग कब आएगी, जब ऑर्थो पोजीशन पर होगा, मतलब पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पर जब बल्कि ग्रुप आता है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को स्टेरिकली क्राउड कर लेता है, तो जब स्टेरिकली क्राउड कर लेता है तो बेसिक नेचर हाईली डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन दूसरे आइसोमर जो उनके होंगे, मतलब मेटा और पैरा, उनसे या एनिलीन से भी लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे दिया हुआ है एनिलीन, ठीक है, और मुझे दिया है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जिस पे बल्कि ग्रुप है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, एनिलीन। तो इसका मतलब SIP इफेक्ट लगेगा, तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। और ये कब होगा ऐसा, जब ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, बल्कि ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, बल्कि ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ, क्या NH2 बल्कि ग्रुप होता है, क्या NH2 बल्कि ग्रुप होता है, क्या NH2 बल्कि ग्रुप होता है, नहीं जी, NH2 बल्कि ग्रुप नहीं होता है। आज हम बल्कि ग्रुप के एग्जांपल रिवाइज करेंगे अपने नोट से, ठीक है, प्रीवियस नोट से, कौन से बल्कि ग्रुप होते हैं कौन से नहीं होते हैं, समझ में आई बात। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब बताता हूं, है ना, स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है कि घेर लिया है किसी ने, मतलब ये कि क्राउडिंग मतलब क्या कर रहा है, क्राउड, क्राउड का मतलब समझते हो, भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़, है ना, हाँ, पॉपुलेशन। जैसे कि आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, ध्यान से सुन लेना, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो लेकिन आप मेरी तरफ अप्रोच करते हो तो मेरे को बच्चों ने घेर लिया है, मतलब मुझे क्राउडिंग कर लिया है, तो आप मेरी तरफ अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। जब आप अप्रोच ही नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाओगे, है ना। ऐसे ही मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं लेकिन आप मेरी तरफ आ ही नहीं पा रहे क्योंकि क्राउडिंग हो गई है, बच्चों ने मुझे घेर लिया है, मुझे आपको डाउट बताना है लेकिन आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो मेरे पास पूछने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हिस्टेरिक क्राउडिंग हो गई, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन का पहले से ही कम था, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो उसके अलावा अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आएगा तो उसने उसको घेर लिया है नाइट्रोजन के लोन पेयर को, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को किसने घेर लिया है, बल्कि ग्रुप ने घेर लिया है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बल्कि ग्रुप है, तो मैंने आपको एग्जांपल लिखा दिया गया है, ठीक है। तो जब बल्कि ग्रुप आएगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को घेर लेगा, अब घेर लेगा तो डोनेटिंग इफेक्ट जो होगा उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिक नेचर हाईली डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से समझ में आएगा, सर कैसा क्वेश्चन आएगा, तो बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, क्या CH3 बल्कि ग्रुप होता है, ए ऑप्शन, क्या CH3 बल्कि ग्रुप होता है, क्या CH3 बल्कि ग्रुप होता है, यस इट्स अ बल्कि ग्रुप। अब अगर ये बल्कि ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, SIP इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, SIP, और जब भी SIP इफेक्ट लगेगा बेसिक नेचर हाईली डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा, ए, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे लास्ट में ए हो जाएगा, समझ में आ गई क्या बात। और ये कब लगेगा, जब ऑर्थो पोजीशन पर होगा, मेटा पर लग सकता है क्या SIP, नहीं लग सकता है,
तो मेटा पर सीएस पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा? नस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप होता है तो हमेशा आई इफेक्ट लगाता है। ऑर्थो और पैरा पर एल्काइल ग्रुप होते हैं तो प्लस एच लगाते हैं, लेकिन ऑर्थो पर इस बार कौन सा इफेक्ट लगा दिया? एस आई पी, लेकिन पैरा पर तो एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एच। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस एम। इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा जिसमें प्लस एच इफेक्ट है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा? सी। सी के बाद कौन आना चाहिए? बी, क्योंकि वहां प्लस आई है। फिर कौन आना चाहिए? डी, क्योंकि डी में कोई प्लस इफेक्ट या एस आई पी इफेक्ट नहीं है। इसके आंसर आता है सी बी डी ए। कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन से क्या सीख रहे हैं? एस आई पी इफेक्ट जब आता है तो बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। एस आई पी इफेक्ट कितने बल्कि ग्रुप की वजह से हुआ? एक बल्कि ग्रुप। कितने बल्कि ग्रुप की वजह से हुआ? एक बल्कि ग्रुप। एस आई पी इफेक्ट कितने बल्कि ग्रुप की वजह से हुआ? एक बल्कि ग्रुप। एस आई आर इफेक्ट कितने बल्कि ग्रुप की वजह से होता है? दो बल्कि। एस आई पी इफेक्ट कितने बल्कि ग्रुप से होता है? एक बल्कि ग्रुप। तो एस आई पी इफेक्ट की वजह से बेसिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज। एस आई पी इफेक्ट की वजह से बेसिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज। ड्यू टू एस आई पी इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, सॉल्व आंसर बताओ। चलो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन NO2 कौन सा इफेक्ट लगेगा? एस आई पी। कोई डाउट? मेटा पर NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप। मैट और पैरा पे कैसा इफेक्ट NO2 का? माइनस एम, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रजी प्लस एच इफेक्ट किसका बता रहे हो आप? प्लस एच इफेक्ट किसका बता रहे हो? एल्काइल ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट होता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा, फॉर्मूला देखते हैं, माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को कम करते हैं और एस आई पी सबसे ज्यादा कम कर देता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? डी। डी के बाद आना चाहिए कौन? बी। फिर कौन आना चाहिए? सी। और फिर कौन आना चाहिए? ए। कोई डाउट? ए सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि ए में एस आई पी इफेक्ट लगता है और जब भी एस आई पी इफेक्ट लगेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। एस आई पी इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। एस आई पी कितने बल्कि ग्रुप की वजह से होता है? वन बल्कि ग्रुप। एस आई पी कितने बल्कि ग्रुप की वजह से होता है? वन बल्कि ग्रुप। एस आई आर कितने बल्कि ग्रुप की वजह से होता है? दो बल्कि ग्रुप। एस आई आर दो बल्कि ग्रुप की वजह से होता है, एस आई पी एक बल्कि ग्रुप की वजह से होता है। एस आई पी से बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, बट एस आई आर से बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। एस आई आर से बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल करें सॉल्व, थर्ड एग्जाम्पल करें सॉल्व। चलो डिस्कस करते हैं, ट्राई कर लिया सबने। सबसे पहली बात, एन सी एस थ्री होल ट्वाइस, ये
बल्कि ग्रुप होता है, इट्स अ बल्कि ग्रुप। अगर आपको नहीं पता हो तो बता देते हैं, CH3 भी बल्कि ग्रुप होता है, NCH3 होल्ड ट्वाइस भी बल्कि ग्रुप है और CH3 भी बल्कि ग्रुप है। जब दो बल्कि ग्रुप आएंगे तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? SIR। जब SIR इफेक्ट बनेगा तो नाइट ये ग्रुप घूम जाएगा, जब घूम जाएगा तो नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। कैसा हो गया? लोकलाइज्ड लोन पेयर। नेक्स्ट में देखते हैं क्या लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। यस रेजोनेंस कर रहा है। नेक्स्ट में रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर। यस रेजोनेंस कर रहा है। कितने आरएस? 5 आरएस। कितने आरएस? 5 आरएस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा ए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ए। अब मुझे बताओ बी और सी में ज्यादा बेसिक कौन? बी और सी में ज्यादा बेसिक कौन? बी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी में सी एस पी कैसे इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। यहां पर हाइड्रोजन है, कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ए के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद क्या आएगा? सी। तो आंसर आता है ए बी सी। कितने लोगों का सही हुआ है? कितने लोगों का क्वेश्चन सही हुआ है? बहुत बढ़िया, गुड वन। हाँ जी, कितने लोगों का गलत हुआ है? ऐसा यार दो बल्कि ग्रुप की वजह से होता है। यहां पर एक ही बल्कि ग्रुप है, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर बी में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। बी में ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, इसलिए एस आई आर नहीं हो सकता है। आ गया अनुराग समझ में? कोई डाउट अभी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है बच्चा? एन के पास तो दो सी एस सी लगे हैं ना, एक ही बल्कि ग्रुप है, अकेला इकलौता बी में, क्या करेगा वो? हाँ वीरेश्वर, इकलौता बल्कि ग्रुप है एन सी एस सी होल्ड ट्वाइस, अब क्या करे? अब क्या करे, अकेला है वो तो। ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होता तब ऐसा यार लगता, ठीक है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में कोई बल्कि ग्रुप ही नहीं है बीच में बी में, इसके कोई ऐसा यार लगेगा ही नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, रेजोनेंस एनर्जी। तो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन most stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy. The energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy. और resonance hybrid जो होता है ये सबसे ज्यादा stable होता है, क्योंकि ये सभी structure को explain करता है। resonance hybrid क्या होता है? सभी structure को explain करता है, तो उस case में वो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, क्योंकि वो इकलौता स्ट्रक्चर सभी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब अगर किसी में रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती है अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेबल जो होगा रेजोनेंस की वजह से उसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, और वो जिसमें स्टेबिलिटी कम है उसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? कम। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। जैसे कि अपन को यहां पर दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, दोनों में ही तीन पाई बॉन्ड है, यहां पर रेजोनेंस है, बेंजीन रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस है, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन गेन कर रहा है? रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी कौन गेन कर रहा है? बेंजीन गेन कर रहा है या ये 1 2 3 4 5 6 7
हेप्टाट्राइन गिन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादा गिन कर रहा है क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसमें क्या है नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी डिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन बी, कोई डाउट? तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, तो स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात। नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे अगर एरोमेटिक वगैरह नहीं होता तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। अब आप एक बार बताओ यहां पर देखते हैं ये कैटायन रेजोनेंस कर रहा है, अगला वाला कैटायन भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन पहले वाले कैटायन में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी रेजोनेंस है वहां पर रेजोनेंस है, लेकिन ये कैसा है नॉन एरोमेटिक है, ये कैसा है एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल कौन ज्यादा है, ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी इज मोर, ए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बी की स्टेबिलिटी कम। एस पूरा ही लिखता हूँ, बच्चे डाउट बहुत पूछते हैं, एस टी मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए की कम है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही रेजोनेंस एनर्जी का भी ऑर्डर आएगा। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी ए की कम होगी। आया समझ में, कोई डाउट दोनों एग्जांपल में से किसी में? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहते हो, ए और बी, ए में रेजोनेंस है, यस ए में भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है एंटी एरोमेटिक, ये कैसा है नॉन एरोमेटिक। तो आप क्या कहते हो, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या एंटी एरोमेटिक? हमने पढ़ा था एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर का, पढ़ा था बने ऐसा। इसका मतलब हुआ रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी की कम होगी, क्योंकि ए ज्यादा स्टेबल है और बी कम स्टेबल। आया समझ में, चारों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट, चारों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूँ बढ़िया सा, क्योंकि मैंने शो करेंगे उससे पहले। चलो तो खाली पेंसिल फोर्थ एग्जाम, और एक और है, ठीक है। अब ये तो ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजोनेंस के। चलो कंपेयर करते हैं ए और बी को, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, सबको दिख रहा होगा, मोस्ट ऑफली दिख रहा है सबको, ओके बढ़िया बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान देना, सिखाता हूं मैं आपको। जब ए में रेजोनेंस हुआ, सुन लो ध्यान से, ए में जब रेजोनेंस हुआ तो या तो ये इस साइड से रेजोनेंस कर रहा है लेफ्ट साइड से, या फिर ये राइट साइड वाले के साथ रेजोनेंस करेगा, आइदर साइड रेजोनेंस करेगा, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ऐसे रेजोनेंस को बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। अब बी में देखते हैं, जब बी में रेजोनेंस हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए और साइमल्टेनियसली इस इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहां जब रेजोनेंस हो रहा है तो ये हो रहा है कंटिन्यूअस,
इसमें कैसा रेजोनेंस रहे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा या क्रॉस रेजोनेंस, क्योंकि यहां पहले ऑप्शन को देखें तो यहां 3 RS होते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहां पर भी 3 RS होते हैं, दोनों में 3 RS है। तो क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा या कंटिन्यूअस, व्हाट डू यू से? कंटिन्यूअस रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा या क्रॉस रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव? कंटिन्यूअस रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि लगातार रेजोनेंस हो रहा है। क्रॉस में अगर एक साइड रेजोनेंस हो गया तो दूसरी साइड नहीं हो पाए, इसलिए कंटिन्यूअस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। ठीक है, समझ में आई क्या बात? बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाया है वेरी गुड, है ना। मैंने आपको एक और चीज सिखाई, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से समझाता हूँ, एक और बार से समझाता हूँ, सब लोग ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, साइड में लिखता हूं मैं एग्जाम्पल एक और। ये अपन को दिया हुआ है मान लो कार्बोकैटायन ऐसा, अगला ये कार्बोकैटायन दिया, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों कार्बोकैटायन को बेटा एरोमेटिक की बात ही नहीं कर सकते, साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस ही है क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं दो, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ए में भी आ रहे हैं दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं, बी में भी दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं, इसलिए एरोमेटिक की बातें नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, है ना। फोर्थ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एग्जांपल एक बार फिफ्थ एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख दिया मैंने, फिफ्थ एग्जांपल है ना, सब लोग ऑब्जर्व करें। अगर ए ऑप्शन को देखें तो अपने 3 RS आ रहे हैं और बी है उसमें भी 3 RS आ रहे हैं, ठीक है, देख लो आप, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो 1 से 3 जाएगा 3 RS आ रहे हैं, यहां पर भी रेजोनेंस करेगा तो यहां पे 1 से 3 आएगा और 1 से 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में मुझे अगर कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ए और बी में, तो आप बता सकते हो ए ज्यादा स्टेबल है बी, ए ऑप्शन जो है उसमें कैसा हो रहा है रेजोनेंस क्रॉस, और यहां राइट साइड कैसा हो रहा है कंटिन्यूस। तो क्रॉस से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी या कंटिन्यूस? बिल्कुल सही बात है, इसके बोलते हैं बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो रेजोनेंस एनर्जी का वही ऑर्डर आएगा जो स्टेबिलिटी का आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्रॉस या कंटिन्यूस तभी देखेंगे, ध्यान से सुन लो, क्रॉस या कंटिन्यूस तभी देखेंगे जब नंबर ऑफ RS सेम है, लेकिन अगर नंबर ऑफ RS डिफरेंट होते हैं तो कभी भी क्रॉस या कंटिन्यूस नहीं देखते हैं। तो ये बात लिख लो, क्रॉस और कंटिन्यूस विल बी ओनली चेक व्हेन नंबर ऑफ RS आर सेम। क्रॉस और कंटिन्यूस इज ओनली चेक व्हेन नंबर ऑफ RS आर सेम। क्रॉस और कंटिन्यूस आर ओनली चेक व्हेन नंबर ऑफ RS आर सेम। क्रॉस और कंटिन्यूस is only checked when number of RS are same. Cross or continuous is only checked when number of RS are same. हाँ जी, अब बताइए 1 से लेकर 5, 5 एग्जाम्पल कराए आपको, तो आपको क्या लगता है इनमें किसी में भी पांचों में कोई डाउट है? इन पांचों में से किसी में भी कोई डाउट है किसी को भी? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, मेरिज्म से ही पता चलता है आइसोमर की बातें करनी, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म क्या फिनोमेना होता है? टोटोमेरिज्म फिनोमेना होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद द माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोमेरिज्म, ठीक है। वापस से एक और बार बताते हैं, व्हेन टू स्ट्रक्चर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर नोन एज टोटोमर्स।
एंड द फिनोमेना इज नोन एज टोटेमिज्म। ठीक है, द दो स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे और दूसरे स्ट्रक्चर से पहले में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में उसे बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जो जिस वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें बोलते हैं टोटोमर्स, और जो फिनोमेना जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ये फिनोमेना एसिड और बेस कैटलाइज होता है। कैसा होता है? एसिड और बेस कैटलाइज। तो एक डेफिनेशन तो सबसे पहले मैं टोटोमेरिज्म की लिखवाता हूं आपको। लिखो कॉपी में टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन, लिखो टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन। शुरू करें लिखना, लिखो complete transfer of pi electron with the migration of complete transfer of pi electron with the migration of complete transfer of pi electrons with the migration of acidic hydrogen with the migration of acidic hydrogen complete transfer of pi electron with the migration of acidic hydrogen is known as tautomerism। Complete transfer of pi electron with the migration of acidic hydrogen is known as tautomerism। लिखा सबने? ओके, एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज, अगला पॉइंट लिखो, एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज, अगला पॉइंट लिखो, एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज, एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। Acidic hydrogen is also known as alpha hydrogen or active hydrogen. Alpha hydrogen or acidic hydrogen. Alpha hydrogen or acidic hydrogen. Alpha hydrogen or acidic hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन, more than one type of acidic hydrogen. If a molecule contains more than one type of acidic hydrogen, most acidic hydrogen will take part in protomerism. If a molecule contains more than one type of acidic hydrogen, most acidic hydrogen will take part in protomerism. If a molecule contains more than one acidic hydrogen, more than one type of acidic hydrogen, most acidic hydrogen will take part in protomerism. Most acidic hydrogen will take part in protomerism. Hopefully, likh liya hoga ye point. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टोटोमेरिज्म इज अ एसिड और बेस कैटलाइज फिनोमिना। टोटोमेरिज्म इज अ एसिड और बेस कैटलाइज फिनोमिना
एसिडिक हाइड्रोजन हमने सिखा दिया है अनुराग, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म कराया अभी हमने कल ही, ठीक है। हाँ हम बात कर रहे थे प्रोटोबेलिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड फिनोमेना, प्रोटोबेलिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड फिनोमेना, प्रोटोबेलिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड फिनोमेना, and the two tautomers and two tautomeric structures are in dynamic equilibrium with each other the two tautomeric structures are in dynamic equilibrium with each other. The two tautomeric structures are in dynamic equilibrium with each other and their relative stability is determined by thermodynamics. And their relative stability is determined by thermodynamics. चलिए जो आपने लिखा है मैं एक्सप्लेन करता हूं, सब लोग ऑब्जर्व करें, सब लोग ध्यान दें, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, इसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। दिस इज एसिडिक एच। क्यों बोलते हैं एसिडिक एच? क्योंकि अगर ये एच प्लस लूज कर देगा तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस कर रहा है किसके साथ? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो बनाता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। आगे बात समझ में, इसी को एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। अब आप लोग सब लोग ध्यान दें, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई को भी माइग्रेट करा, ये पाई बॉन्ड इधर गया, ठीक है, और एच प्लस लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन पर, तो माइग्रेशन हुआ पाई बॉन्ड का, ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। जैसे ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये जो एच प्लस बन रहा था जिसने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिए, वो H प्लस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया, तो ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो जो टोटोमेरिज्म फिनोमेना हुआ इसे बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। यहां पर जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसे? कीटो, इसमें चेंज हो रहा है इनॉल, तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म बोलेंगे इसे, ठीक है। तो जो फॉर्म है कीटो वो किसमें चेंज हो रहा है? इनॉल। इनॉल कैसे बोला? इन मतलब एल्कीन, ओएच मतलब ऑल, इसके नाम पड़ा इनॉल, और कीटोन फंक्शन रूप है सी डबल बॉन्ड ओ, इसलिए बोला कीटो। तो कीटो किसमें चेंज हुआ? इनॉल। तो कीटो से इनॉल को ऑब्जर्व करो, देखो पहले पाई बॉन्ड किसमें बीच में था? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड था, अब किसके बीच में पाई बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। इसका मतलब
कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड किस तरफ माइग्रेट हो गया, एक तरह से कार्बन कार्बन में माइग्रेट हो गया, और हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन था वो किस पर चला गया, ऑक्सीजन एटम पर चला गया। इसलिए मैंने बोला भी क्या होता है टोटोवेलेंट फेनोमेना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड विद द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, किस वजह से एसिडिक है, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या आपको ये बात समझ में आई अभी, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद द माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोवेलेंसी, जिसमें CO ग्रुप जो था वो किसमें चेंज हो गया, OH ग्रुप में चेंज हो गया, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच हाइड्रोजन में ट्रांसफर हो गया, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन किस में ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि OH ग्रुप बन गया, इसका मतलब ऑल ग्रुप बन गया एल्कोहल, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, उसको बोलते हैं एल्कीन, तो इसलिए नाम पड़ा इनॉल, एल्कीनॉल बन रहा है, पहले क्या था कीटोन, अब क्या बन रहा है एल्कीनॉल, इसलिए नाम पड़ा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। समझ में आया क्या? तो माइग्रेशन किसका हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन का हुआ, किसके साथ, साइमल्टेनियसली सी डबल बॉन्ड हो पाई बॉन्ड के साथ, तो माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद द माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। क्या डेफिनेशन समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आया तो ऑब्जर्व करें यहां पर क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ, किसका माइग्रेशन हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन का। ठीक है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा तो हाइड्रोजन जो है उसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, है ना, और अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब आप एक चीज देखो, मैंने मॉलिक्यूल लिखा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये लिखा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये अल्फा है, तो दिस विल बी द एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, है ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, एसिडिक एच है इसके पास, ये जो कार्बन है दिस इज नोन एज बीटा, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, ये नॉट एसिडिक, क्यों नहीं होगा एसिडिक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, अगर अल्फा एच प्लस लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर बीटा एच प्लस लूज करेगा तो बताओ क्या कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो नो रेजोनेंस, और यहां क्या हो रहा है रेजोनेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बीटा हाइड्रोजन या दूर वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, और जो कंजुगेट बेस रेजोनेंस नहीं करेगा वो लेस एसिडिक हाइड्रोजन, इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज्म कौन करता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म करता है। किसी को डाउट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज इसमें मुझे पूछनी आपसे, मैंने बोला एक पॉइंट लिखा है इसमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की बात करी, कीटो इनॉल एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से गवर्न करते हैं, तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं OH, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बन से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बन से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बन से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या ऑक्सीजन से अटैच, भैया एसिडिक स्ट्रेंथ लगता है मुझे वापस से पढ़ाना पड़ेगा पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मीथेन और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है, कॉन्जुगेट बेस बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, कार्बन की एन 2.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, कॉन्जुगेट बेस का ईएन।
इसका मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन मीथेन. तो ऑक्सीजन साइड है हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है या कार्बन साइड है? फिर से पूछ लेता हूँ. तो इतना बड़ा ब्लंडर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने जिसमें तुम इतना खतरनाक वाला तुम कार्बन बोल रहे हो. है फेल हो गया मैं तो आज. इतना बड़ा है सब फेल हो गया, सब जीरो हो गया, जीरो ऑक्सीजन जैसा जीरो हो गया है, पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया. और उसके बाद मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कार्बन साइड है ज्यादा एसिडिक है या ऑक्सीजन साइड है, तुम लोग कार्बन बोल रहे हो. इट फील इट इट मेक्स आई एम अ फेलियर जो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया या मैं समझा ही नहीं पाया तुमको. आई एम मेरा फेलियर है, आपका फेलियर नहीं है, आपकी तो गलती है ही नहीं, मेरी गलती है ना कि मैं आपको समझा ही नहीं पाया. कोई बात नहीं, मैंने एग्जांपल ले लिया मेरे लिए, मेरी गलती है इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया. अब समझ में आ गया होगा शायद, है ना. चलो कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना. इनॉल में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, कीटो में कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, कीटो में कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है. तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू कार्बन. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप पढ़ते हो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनने की टेंडेंसी होती है, ये पढ़ते हो, या वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बनने की टेंडेंसी होती है, क्या पढ़ते हो? स्ट्रॉन्ग से वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक. इसका मतलब इनॉल फॉर्म ज्यादा एसिडिक होगा, कीटो फॉर्म कम एसिडिक होगा. इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, इनॉल फॉर्म ज्यादा एसिडिक होगा, कीटो फॉर्म कम एसिडिक होगा? इनॉल फॉर्म ज्यादा एसिडिक होगा, कीटो फॉर्म कम एसिडिक होगा? कोई डाउट इस बात में? ठीक है, इसका मतलब कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, क्योंकि इनॉल मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक लेस एसिडिक में चेंज होगा, तो वापस बैकवर्ड रिएक्शन आने की टेंडेंसी कम होगी. इसलिए कहते हैं कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, इसलिए कहा जाता है. आगे बात समझ में, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म में कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होता है, इनॉल फॉर्म में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है. इसलिए थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होगा. कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है. तो मोर एसिडिक से लेस एसिडिक में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन इनॉल. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया. चलिए अब बात करते हैं, मैंने बोला इट इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड फिनोमेना, तो फिनोमेना एक्सप्लेन करता हूं मैं. OH- आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा क्या बनेगा? H2O. तो मैं सिखा रहा हूं कीटो से इनॉल कैसे बना. ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेटिंग सिस्टम आया, O पर नेगेटिव चार्ज आया. अब ये जो H2O निकला था, OH2O, ये जो H2O निकला था वही H2O लिखा हुआ है ये वाला, इससे ये प्रोटॉन ले लेगा, O नेगेटिव से प्रोटॉन लेगा, इसका मतलब क्या निकल जाएगा वापस से OH- और बन जाएगा आपका कौन सा फॉर्म? इनॉल फॉर्म. तो कीटो फॉर्म से कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल फॉर्म बन गया. ठीक है, OH- था बेस, बेस ने क्या लिया? एसिडिक हाइड्रोजन लिया. जैसी एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो उस केस में आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस. ये जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसने रेजोनेंस करा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया. जैसे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आया, जो वाटर निकला था उससे ले लिया H+, जैसी H+ लेगा वापस से OH- बन जाएगा, इसका मतलब OH- ने जो H+ लिया था वापस से मॉलिक्यूल को दे दिया, इसलिए बोला कैटलाइज फिनोमेना, क्योंकि OH- फाइनली इनिशियली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, वापस से हमको मिल गया. इसका मतलब ये सिर्फ कैटलाइज का काम कर रहा है, रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व होके सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वापस बन जाते हैं, इसका मतलब ये यूज नहीं हो रहा है. तो कीटो फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो गया? इनॉल फॉर्म में. कौन सा फिनोमेना देखा हमने? ये बेस कैटलाइज फिनोमेना देखा. कौन सा फिनोमेना देखा?
बेस कैटलाइज क्योंकि OH माइनस बेस होता है, पता है ना आपको ये बात, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से इनॉल फॉर्म किस कीटो फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, इनॉल कीटो का किस में चेंज होता है, इनॉल। आगे बात करते हैं, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो रहा है, किसी को डाउट, किसी को डाउट यहां पर, यहां पर किसी को डाउट? प्रभु ओ हटता ही नहीं है, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है, ठीक है, एटम सेम रहते हैं, मॉलिक्यूल सेम रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, इसके ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। तो आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले वाले का है C3H6O, अगले वाले का फॉर्मूला भी है C3H6O, तो जब दोनों का फॉर्मूला सेम है इसका मतलब आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स में पहला फंक्शन कौन सा है, कीटो, अगला कौन सा है, इनॉल। तो एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, लेकिन टोटोमेरिज्म भी कर रहा है, इसलिए बोलते हैं टोटोमर्स, ठीक है, आपस में एक दूसरे के क्या कहेंगे, कीटो और इनॉल एक दूसरे के टोटोमर्स, दिस इज नोन एज कीटो फॉर्म, दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म, ठीक है। आगे बात समझ में, अब कीटो अगर इनॉल में चेंज होता है तो इनॉल भी कीटो में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वापस से मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करो, OH माइनस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, हमें कलर चेंज कर देता हूं पेन का, तो थोड़ा सा बैकवर्ड रिएक्शन सिखाता हूं, ठीक है, OH माइनस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, ये OH माइनस आया, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस ऊपर नेगेटिव आएगा, ये ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका नेगेटिव चार्ज आया, तो अब जो H2O निकला था, जो H2O निकला था इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन चल रही है इस बार, तो जो H2O निकला था इस H2O से प्रोटॉन ले लेगा ये, है ना, अब H2O से जब प्रोटॉन लेगा तो H+ लेके बना लेगा कीटो फॉर्म, तो इनॉल से अगर कीटो बनता है तो कीटो से भी इनॉल बनता है, कीटो से इनॉल बनता है तो इनॉल से भी कीटो बनता है, समझ में आया क्या, कीटो से अगर इनॉल बनेगा तो इनॉल से भी क्या बनेगा, कीटो, आया समझ में, ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा तगड़ा एग्जांपल ऑब्जर्व करें सब लोग, ये कीटो दिया हुआ है, ये इनॉल दिया हुआ है, सभी लोग ऑब्जर्व करें, अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल रिवर्सिबल होता है, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखा है आपने, ठीक है, कि कीटो से अगर इनॉल बनता है तो इनॉल से भी कीटो बनता है, इसलिए आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा है, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करना है इसको कि है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड के पास वाला अल्फा फिर बीटा फिर गामा, तो आप लोग ऑब्जर्व करें, यहां पर गामा हाइड्रोजन एसिडिक है, कैसे एसिडिक है, क्योंकि अगर ये H+ लूज करता है H2O निकलेगा, H+ लूज करेगा H2O निकलेगा, तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस कर रहा है, अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस करा है, जैसे रेजोनेंस करा कार्बन पाया नेगेटिव चार्ज तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है, मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला गया, चला गया क्या, चला गया ना, अब जो वाटर निकला था उससे ये ओ नेगेटिव जो है H+ ले लेगा, जैसे ही H+ लेगा अपन को इनॉल फॉर्म मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, OH- ये भी मिलेगा, ठीक है, तो जो बेस था वापस से अपन को मिल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं बेस कैटलाइज फिनोमेना, क्या बोलते हैं इसलिए, बेस कैटलाइज फिनोमेना। अब सेकंड एग्जांपल की खास बात क्या थी कि यहां पर गामा हाइड्रोजन एसिडिक हो रहा है, क्यों हो रहा है एसिडिक, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो पाई बॉन्ड कंजुगेशन के बाद, ध्यान से देखो मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे, पाई बॉन्ड कंजुगेशन के बाद जो हाइड्रोजन दिखेगा sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, वो कैसा हाइड्रोजन होगा, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, इस बार ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन के बाद जो sp3 कार्बन आ रहा है उसका जो हाइड्रोजन है दैट विल बी द एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर जा रहा है, क्या आपको ये फिनोमेना समझ में आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, sp3 होगा तभी तो हमने पढ़ा था, sp3 होगा तभी तो कंजुगेशन बनेगा, डबल बॉन्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा
तो उस केस में जैसे कि ये दिया हुआ है ऐसा, अगर ये आप इसको बोल दोगे ये अल्फा, तो अगर ये अल्फा एच प्लस पुश करेगा तो आप लोग ध्यान दें डबल बॉन्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, डबल बॉन्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ये स्ट्रक्चर बनाया ना आप उसको अल्फा मान लिया, मान लिया ये हाइड्रोजन है, क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, नो रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता है, इसलिए हमने बोला कि sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा। तो भैया एसिडिक हाइड्रोजन तब होगा ना जब c डबल बॉन्ड o पे चला जाएगा, और रेजोनेंस करके जब c डबल बॉन्ड o पर जाएगा तो इसलिए हम बोलते हैं वो इनॉल फॉर्म बना पाएगा। लेकिन 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 अगर डबल बॉन्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो रेजोनेंस ही नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन एटम पर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो डेफिनेटली इनॉल फॉर्म बनेगा ही नहीं, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। हाँ जी, अब ये बताइए इस सेकंड एग्जांपल में कोई डाउट है? हाँ सलोनी, क्या बोल रहे हो, ये दो बार इक्विलिब्रियम आएगा, दो बार इक्विलिब्रियम क्यों आया, क्योंकि भाई आप रेजोनेटिंग यहाँ पे पहले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोजन हटाया, दूसरे स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीन रेजोनेटिंग, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट आर एस, सेकेंड आर एस, थर्ड आर एस, ठीक है, जो थर्ड आर एस, उसके बाद जो थर्ड आर एस आया उसमें ओ नेगेटिव जो था उसने एच प्लस एक्सेप्ट कर लिया और आपका कौन सा फॉर्म बन गया, इनॉल फॉर्म। तो मैंने तुमको क्या बोला कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, एसपी थ्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो एसिडिक होगा, क्योंकि उसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस करके ऑक्सीजन एटम पर चल जाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज चला जा रहा है रेजोनेंस करके तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हटाओ, कंजुगेट बेस बनाओ, नेगेटिव चार्ज लिखो, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अगर वो रेजोनेंस करके किस पे चला गया, ऑक्सीजन पर, तो इसका मतलब वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन एटम पर नहीं गया तो इसका मतलब वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में लिख के दिया है। आगे बात समझ में? ओके, आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी मैकेनिज्म, नहीं पूछते हैं समझने के लिए मैकेनिज्म, बिल्कुल है ना। हाँ जी, कंडीशन मुझे कैसे पता चलेगा रेजोनेंस है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन, कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। प्राची तो हमेशा बोल देती है सबसे पहले कि सर अब रहने दो, सबसे पहले प्राची बोलती है ना, ठीक है प्राची तेरी बात हमेशा मानेंगे, जैसे तू बोलेगी स्टॉप नहीं पढ़ाएंगे, स्टॉप नहीं पढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन देंगे सॉल्व कर लेना, ठीक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग सब ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। जब नहीं पढ़ना चाहते हो तो जबरदस्ती कभी नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, जब पढ़ना चाहते हो तभी पढ़ाया जा सकता है। ओके चलो, क्या करें, नहीं नहीं कोई नहीं कराएंगे, अभी तो तुम खुद से ट्राई करना, मैंने जितना थ्योरी पढ़ा है, जितना थ्योरी पढ़ा है उस बेसिस पर, ठीक है ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट टू यू।